अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। बिजली बिल घटाने कल निकलेगा लॉन्ग मार्च, वर्चुअल रैली में शामिल होने भाजपा नेता दशरथ भगत की अपील। वासी से बेलापुर तक जाएगा मार्च। लॉकडाउन की मुसीबत में बिजली विभाग द्वारा भेजा गया हजारों रुपए का बिल माफ कराने और सरकार को जगाने कल नई मुंबई में लॉन्ग मार्च निकलेगा। नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के बैनर तले दशरथ भगत और निशांत भगत इस लॉन्ग मार्च का नेतृत्व करेंगे। भाजपा नेता दशरथ भगत ने कहा कि आज जनता के पास जीने के लिए पैसा नहीं है, फिर बिजली बिल कैसे भरा जाएगा। उन्होंने पीड़ित नागरिकों से इस लॉन्ग मार्च में सोशल मीडिया के जरिए शामिल होने की अपील की है। नई मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के ओर से दशरथ भगत साहब के लीडरशिप के अंदर नई मुंबई की एक आवाज़ बनके लॉकडाउन के खिलाफ, हॉस्पिटल सक्षमीकरण के खिलाफ और विशेषता जो आज MECD के तरफ से जो लाइट बिल भेजा गया है उसके खिलाफ हम लोगों ने ये लॉन्ग मार्च निकाला हुआ है। लाइट बिल पहले आता था उसमें 45 रुपए की बढ़ोत हुई है। ये 45 रुपया 100 यूनिट के ऊपर, 200 यूनिट के ऊपर, 500 यूनिट के ऊपर और 1000 यूनिट के ऊपर उसका जो रेट जो उन्होंने बढ़ा हुआ है उसके खिलाफ हम लोग लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। आज नई मुंबई के लोगों को टैक्स भर रहे फिर भी उनको ICU बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, कोविड सेंटर में क्वारंटाइन होने के लिए बेड नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है? तो हम लोग यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल सक्षम करो लेकिन लॉकडाउन मत बढ़ाओ। लॉकडाउन बढ़ाने से रोजगार गया, व्यवसाय गया। आज लोग 4 महीने से घर में बैठे, लोग घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर घर कैसे चलाएंगे? लाइट बिल भी भरना है, स्कूल का फीस भी भरना है, बैंक का हफ्ता भी भरना है। ये सब भरने के बाद घर में खर्चे के लिए बचेगा क्या? वो उसको पूरा जीवन जीने के लिए जो उसको काम धंधा जो करना चाहिए वो करने नहीं देंगे और ऊपर से लाइट बिल भी भेजेंगे, हॉस्पिटल का बिल भी भरना है, घर का खर्चा भी करना है, तो कैसे करेंगे? घर में बैठ के कैसे होगा? जब हम घर से बाहर निकलने वाले हैं तो एक्सीडेंट से हम लोग नहीं डरते तो कोरोना से क्यों डरे? यही सोच के हम लोगों ने पूरे नई मुंबई के आवाज़ बन के सुबह 10 बजे 10 तारीख को शिवाजी चौक से लेके कोकण भवन तक और नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस तक हम लोग लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लोग रहेंगे और हम लोग सभी नई मुंबई के लोगों को आह्वान करते आप फिजिकली हमारे साथ में मत आइए लेकिन डिजिटली हम लोग के साथ जुड़ जाए और ये लॉन्ग मार्च को सपोर्ट कीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज ऑगस्ट 5वा महीना है। 5वा महीना जो श्रमिक वर्ग है त्यांच्याकडे पैसे राहिलेले नाही आहेत आणि मग त्यांना रोजगार सुद्धा नाही आहे। आज आरोग्याची भीती आहे, जीवितहानीची भीती आहे, मग ह्या दोन्ही भीती असल्या तरी तिसरी जी भीती आहे ती भूकमारीची भीती आहे, ही तर भीती का आपल्याला नाकारता येणार नाही। आणि ह्या काळामध्ये राज्य शासनाने लाईटचं बिल जो अवास्तव बिल पाठवलेलं आहे लोकांकडे पैसेच भरायला नाही आहेत। रोजगाराच नाही तर पैसे कुठून येणार? कुठून तरी कसं तरी लोक अन्नधान्याची खरेदी करण्यासाठी जो काही राहिलेला जो काही पैसा आहे तो पैसा कुठून तरी जमा करून किंवा FD मोडून किंवा कर्ज काढून त्या ठिकाणी लोक आपलं जो दैनंदिन जो जगणं आहे ते दैनंदिन जगणं त्या ठिकाणी कसं तरी तो जीवन जगत आहे। मग ह्या ठिकाणी लाईट बिल तर पूर्ण माफ केलीच पाहिजे, 4 महिने आणि हा 5 महिना आताचा लॉकडाऊन आहे हे पूर्ण माफ केली पाहिजे। हा या ठिकाणी आम्ही आमचं त्या ठिकाणी शासनाकडे निवेदन आहे। बता दें कि यह लॉन्ग मार्च वाशी के शिवाजी चौक से प्रारंभ होगा। प्रतिनिधि दल सबसे पहले बिजली अभियंता को ज्ञापन देगा, उसके बाद बेलापुर कोकण भवन मुख्यालय में CM सचिवालय में निवेदन दिया जाएगा और फिर महानगर पालिका आयुक्त को पत्र देकर नई मुंबईकरों को न्याय दिलाने हस्तक्षेप की मांग करेगा। दशरथ भगत ने कहा कि लॉन्ग मार्च सोशल मीडिया पर लाइव दिखेगा। उन्होंने नागरिकों को फेसबुक पर अपना समर्थन दर्ज कराने की अपील की है। 10 तारखेला सकाळी 10 वाजता शिवाजी चौकातून माझं निवेदन आहे। आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही आहोत, कुठल्याच शासनाच्या विरोधात नाही आहोत। त्यांचं ध्यान केंद्रित करण्यासाठी
हा जो पदयात्रा है लॉन्ग मार्च है तो आम्ही शिवाजी चौक पासून इलेक्ट्रिक जो विद्युत विभागाचा मुख्य कार्यालय है सुप्रिंटेंडेंट इंजिनियर अधीक्षक अभियंता साहब सेक्टर 17 त्यांना आम्ही निवेदन देणार। तिथून राज्य शासनाचा प्रतिनिधि म्हणजे मिनी मंत्रालय कोकण भवन ते सर्व घटकांचे जे विविध प्रश्न आहेत सर्व घटकांनी आम्हाला प्रश्न सांगा तुमच्या मागण्या आम्हाला सांगाव्या तुमचं म्हणणं आम्हाला सांगावं ते तुमचं निवेदन आम्ही कोकण भवनला देऊ का ते केंद्र शासनाने राज्य शासनाचं रिप्रेझेंट करतं प्रतिनिधी आहेत तिथे ते मंत्रालय आहे ते शिडको आहे शिडकोने ह्या ठिकाणी मदत केली पाहिजे त्यांना देखील आम्ही निवेदन देणार आहोत। आणि मग तिथून मग मुख्यालय महानगरपालिका महानगरपालिकेच्या आयुक्तालयाला त्या ठिकाणी आम्ही निवेदन देणार आहोत। असं ह्या ठिकाणी जे काय पदयात्रा आहे त्या पदयात्रेमध्ये आम्ही सांगितले की फिजिकल कोणी होऊ नका तुम्ही डिजिटलला सपोर्ट करा प्रश्न सर्वांचे आहेत पण तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या मागण्या जे विविध घटक जो बाधित घटक आहे बाधित झालेला घटक आणि बाधित होत असलेला घटक या सर्वांनी त्यांचे त्यांचे निवेदन मग सोसायटीज असतील मग जे व्यापार असेल व्यवसाय असेल कर्मचारी असेल श्रमिक असतील त्यांचे सर्वांचे जे काही निवेदन आहे ते निवेदन आमच्याकडे द्या तुम्ही आणि ते निवेदन आम्ही कोकण भवनला देऊ शिडकोमध्ये देऊ कॉर्पोरेशनला देऊ MECBला देऊ असं या ठिकाणचं आमचं एक निवेदन आहे एक शांततेच्या मार्गाने ज्याला आपण मूक पदयात्रा म्हणा किंवा शांततेचं निवेदन यात्रा म्हणा असं ह्या पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी चालत जाणार आहोत। आणि म्हणून आम्ही कोणाला सांगितलं नाही तुम्ही आमच्यासोबत येऊ नका कारण ह्या ठिकाणी शासनाने जे काही नियम नियमावली दिली आहेत त्याचं तर रक्षण त्याचं तर पालन केलं पाहिजे म्हणून आपण डिजिटली कोणी येऊ नका प्रत्यक्ष कोणी येऊ नका तर जो काय सोशल मीडिया असेल विविध मीडिया असेल त्या मीडियाच्या माध्यमातून आपला जो काही भावभावना आहेत आपलं काही म्हणणं आहेत आपलं काही सांगणं आहेत आपल्या काय मदत हवी आहे शासनाकडून मदत हवी आहे ही विविध मदत आपण शासनाला कशी मदत करावी आपण कशी मदत घ्यावी या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण आपला जो काही मत आहे आपलं काही विचार आहेत आपला भावभावना आहेत ते आपण आपल्या सोशल मीडियावर त्या ठिकाणी ठेवा आणि आपण जास्तीत जास्त संख्येने डिजिटल या संख्येने जॉईन व्हा। ब्युरो रिपोर्ट TV1 इंडिया।